हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, HRMS को लेकर एक बहुत ही बड़ी, एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी अपडेट हैं और इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही अपडेट से अवगत कराने वाला हूं। नंबर एक अपडेट आपके जो पास निकालते हैं उसमें डिक्लेरेशन को लेके है और दूसरी अपडेट बहुत ही कमाल की है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आपके पास को लेकर। अब आप अपना पास डायरेक्ट और कुछ ही मिनटों में आप अपना पास इशू कर सकते हैं, वो भी खुद से। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CP ज्ञान में। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जब पास लेते हैं, यानी कि जिस वर्ष से पास लेना शुरू करते हैं, यानी 2022, 2023, 2024, यानी जिस वर्ष के हम पास लेते हैं, तो हमें हर वर्ष एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम जिसमें अपने परिवार के सभी सदस्यों का जितने पास और PTO इशू कराते हैं उनके सबके नाम, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सब कुछ हम भर के अपने डीलिंग क्लर्क को जमा करते हैं। यह अभी कुछ एक दो सालों से यह डिक्लेरेशन देना बंद हो गया था, लेकिन अब आपको प्रत्येक वर्ष यह डिक्लेरेशन अपने यूनिट में सिग्नेचर करवाकर और पूरा भरकर इसको ऑफलाइन सबमिट करना है। और यदि आपके डिक्लेरेशन में कोई चेंज नहीं है, आप वैसे ही का वैसा चूज करके आप अपना पास निकाल सकते हैं। वही भी प्रोसेस हम आगे जानेंगे। इसके बाद दूसरी अपडेट बहुत ही बड़ा आया है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लाजवाब है आप रेल कर्मियों के लिए। अभी क्या होता था, जब हम पास के लिए अप्लाई करते थे तो हमने पास को अप्लाई किया, इसके बाद वह एप्लीकेशन आपके डीलिंग क्लर्क या जो भी HRMS से संबंधित आपके यूनिट में देखता था उसके पास वह एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती थी। लेकिन वह एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती थी, इसके बाद वह डीलिंग क्लर्क या जो भी है वह जब तक ऑफिस नहीं आएगा या फिर अगर छुट्टी पे है तो वो पास नहीं इशू करते थे। इसमें हमारे रेल कर्मचारियों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था। आपको 2 दिन या 3 दिन बाद ही आपका पास इशू हो पाता था। इस समस्या से बचने के लिए HRMS को बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया गया है और इस तरीके से आप 1 मिनट में आप अपना पास बिना किसी को फॉरवर्ड करे आप तुरंत के तुरंत इशू कर सकते हैं और उस पर रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। जानते हैं पूरा प्रोसेस, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो साथियों, दोनों ही अपडेट हम इसमें देखते हैं। हमने HRMS को लॉगिन कर लिया है अपना ID, पासवर्ड, OTP वगैरह डालकर। इसके बाद जो ई पास वाला ऑप्शन है वर्जन 3.0, इस पर जाएंगे, अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करेंगे। यह हम पहले हम इसमें बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन के लिए। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो आपके पास एक इस तरीके का एक विंडो खुल के आएगी। इसमें आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ है। तो परिवार घोषणा को कर्मचारी द्वारा वर्ष में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। यदि पिछली पारिवारिक घोषणा 13 महीने से अधिक पुरानी है तो पास PTO जारी नहीं किया जाएगा। यानी अब आप समझ सकते हैं 13 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी आपका डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, आपको प्रत्येक वर्ष ये डिक्लेरेशन देना है आपके। और इसमें आपको ग्रेस के रूप में 1 महीने की अवधि इसमें भी जोड़ी गई है, यानी कि आपके 12 महीने 1 साल आपका डिक्लेरेशन चलेगा, लेकिन 1 महीने और आपको जोड़ दिया जाएगा, 13 महीने तक ही आप एक डिक्लेरेशन पे पास निकाल सकते हैं। बिना किसी बदलाव में मौजूदा घोषणा पुनः पुष्टि करने के लिए कृपया नो चेंज इन फैमिली डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करें और इसके बाद सिस्टम मौजूदा घोषणा के आधार पर पास जारी करने की अनुमति देगा। यदि आपके पास में कोई चेंजेस नहीं होना है, सब सही है, कोई आपके परिवार के सदस्य को नहीं जोड़ना है, तो आप नो चेंज डिक्लेरेशन जो नीचे लिखा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ दिन के लिए यह ग्रेस पीरियड मिलता है, आप इस पर देखें इंपोर्टेंट, यह कर्मचारियों के लिए सुविधा हेतु सुधार हेतु 15 दिन की विशेष अवधि पर ग्रेस पीरियड प्रदान की जाती है। यदि आपको सुधार चाहिए और पास भी चाहिए तो इसमें जो लिखा है प्रोसीड ग्रेस पीरियड, आप इस पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपका पास बन जाएगा, लेकिन 15 दिन तक की अवधि आपकी वैलिड रहेगी, इसके बाद फिर से आपको यह पास बनना ऑटोमेटिक सिस्टम बंद कर देगा। तो कुल मिलाकर आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी है, आपको डिक्लेरेशन भरकर अपने डीलिंग क्लर्क को जरूर देना है। यह अभी इसमें यह नियम नया जोड़ा गया है। तो इसमें हम
नो डिक्लेरेशन, नो चेंज इन डिक्लेरेशन, ऐसा करके जिसका भी ये पास है इस तरीके से करके आगे अब हम पास बनाने का प्रक्रिया जानते हैं किस तरीके से। तुरंत एक मिनट में आपका पास जारी हो जाएगा, प्रीव्यू दिख जाएगा और इसके बाद आप उसमें पास में आपका यूपीएन नंबर जारी हो जाएगा और आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नो चेंज इन डिक्लेरेशन, ये बोल रहा है आर यू श्योर, तो हम अगर सब सही है तो इस पे यस करेंगे। अब ये डिक्लेरेशन एक वर्ष के लिए आगे प्रोसेस कर दिया गया है और इसके बाद पास बनाने के लिए हम इस पर जनरेट, देखिए इसमें लिख के भी आ रहा है, जनरेट बटन क्लिक करने पर पास पीटीओ आवेदन क्लर्क के पास जारी करने वाले प्राधिकारी को नहीं भेजा जाएगा और पास पीटीओ सचेत रूप से तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। कृपया आवेदन करने से पहले विवरण को सावधानी पूर्वक भरें। अब आपको जो भी विवरण भरेंगे, अब एक बार यदि आपने क्लिक कर दिया तो वही आपका पास बन जाएगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा इसमें आ रहा है। क्योंकि पहले भी अगर एक बार आपका पास जारी हो जाता था आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए अब अपने पास को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें। तो हम देखिए कोई एक पास इसमें अप्लाई करते हैं किस तरीके से, ये किसी की इंफॉर्मेशन है और हम इसमें ये सब पहले से भरा हुआ होता है पास निकालने के लिए, हम इसमें नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें आप अपना स्टेशन भरेंगे, स्टेशन से किस स्टेशन तक, और इसमें यदि ब्रेक जर्नी है तो आप ब्रेक जर्नी लेंगे, नहीं है तब भी आपको अपने केस में जैसा करना है उस तरीके से। तो मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरता हूँ। आपने सब पूरा फॉर्म भर दिया है, इसके बाद प्रीव्यू एंड जनरेट पास पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं करना है तो आप सेव एस ड्राफ्ट में भी जाकर आप इसको सेव कर सकते हैं, बाद में दोबारा से इसको जनरेट कर लेंगे। प्रीव्यू एंड जनरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कैसा पास बनेगा, आपकी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी रहेगी, यह सब आप देख पा रहे हैं इसमें प्रीव्यू लिखा हुआ है। आप यह सब आप अपने किस तरीके का फॉर्म आएगा ये प्रीव्यू लिख के आ रहा है, आप इसको देखेंगे, अगर सब सही है तो ठीक है, नहीं तो आप एडिट एप्लीकेशन पर जाकर इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, मैं घोषणा करता हूँ मुझे निलंबित नहीं किया गया है, बस जनरेट पास पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट पास पर क्लिक करेंगे आपका पास तुरंत एक मिनट में बन के आ जाएगा। देखिए हम जनरेट पास पर क्लिक करते हैं, ये बोल रहा है पास विल बी इशू इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका पास तुरंत बन जाएगा। इसकी वैलिडिटी दी गई है, आपने कौन कौन सी आपने ब्रेक जर्नी और कहां से कहां तक आपको जाना है यह सब इसमें एक छोटे से बॉक्स में दिखा रहा है, यानी कि आपको ये बता रहा है कि आप अपना पास चेक कर लें इस तरीके से बनाया गया है। अगर सब सही है तो यस करेंगे, अथवा कोई आपको चेंजेस करना है तो नो करेंगे और एडिट एप्लीकेशन पे जाके इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। इसमें सब सही है तो हम इसमें यस करते हैं और पास हमारा बन गया। आप देख पा रहे हैं पास हैज बीन सक्सेसफुल इश्यूड अगेन, कुछ नंबर्स हैं उसके लिए और मोबाइल पर भी मैसेज आ चुके हैं। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से अपना पास एक मिनट के अंदर हम बना सकते हैं, इसके बाद उसको रिजर्वेशन भी कर सकते हैं IRCTC से, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम रेलवे कर्मचारियों के लिए उठाया गया है। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। दोनों ही अपडेट आपको कैसे लगे इसका कमेंट जरूर करें। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों अपडेट बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जानकारी यूनिक लगी हुई। यदि जानकारी अच्छी लगी है, यूनिक लगी है, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। और आने वाला वीडियो आपको रेल कोच फैक्ट्री में वैकेंसी जो आ रही है उनके बारे में बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे आने वाले वीडियो को अवश्य देखें और नए लेटेस्ट और यूनिक जानकारियों से अवगत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।